आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 लोकल सेल गवर्नमेंट के एमसीक्यूज के बारे में। इसमें कुछ ज्यादा एमसीक्यूज है, थोड़े हम क्विक करेंगे ताकि हमारा वीडियो जल्दी से खत्म हो जाए और आपका रिवीजन भी जल्दी से हो जाए। हाय, आई एजुक्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायती राज क्या है? तो आंसर आएगा ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। नंबर टू, हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज में होते 3 टायर सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज दैट हैव ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? भाई 500 लोगों से लेकर 25,000 पीपल एक विलेज में इतने लोग होने चाहिए। नंबर फोर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत? मिनिमम लोग 8 होने चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत? मैक्सिमम 16 और मिनिमम 8। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज अ ग्राम पंचायत इलेक्शन हेल्ड? कितने सालों के बाद ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं? तो एवरी 5 ईयर्स, याद रखेगा। व्हाट इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत कॉल? ग्राम पंचायत के हेड को हम बोलते हैं सरपंच। आगे, हु इज इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज इन ग्राम पंचायत? फिर से आएगा, सरपंच को ही हम इलेक्ट करते हैं वोट देकर। हु डज द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एट ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कौन करेगा? करेगा तलाटी कम मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, इलेक्शन के द्वारा नहीं। आइए आगे बात करते हैं। All the elderly people of the village are considered as a member of, जितने भी बड़े लोग हैं एल्डर, वो किस चीज के मेंबर है गांव के अंदर? वो है मेंबर ऑफ ग्राम सभा। जब ग्राम सभा बुलाई जाती है तो वो मेंबर को बिठाया जाता है, जो काफी एल्डर है, सीनियर्स हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 11, एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर इज अ ग्राम पंचायत रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ ग्राम सभा? एक साल में ग्राम सभा कितनी बार होती है? वो है 2 टाइम्स, 2 बार मिनिमम होनी चाहिए। हु इज चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा का चेयरमैन कौन है? फिर से आएगा सरपंच, याद रखेगा। आगे, वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन तालुका पंचायत? तालुका पंचायत में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? वो होते हैं 16, याद रखो आप लोग, ध्यान देना। वॉट इज द मैक्सिमम? अभी मिनिमम देख लिया, मैक्सिमम कितने हैं? 32। यहां पर मिनिमम 16 तालुका पंचायत में और मैक्सिमम 32। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी परसेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन? तालुका पंचायत में कितनी परसेंट सीट वुमेन के लिए है? याद रखो 50% सीट सिर्फ महिलाओं के लिए। आगे, हु डज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ तालुका पंचायत? तालुका पंचायत का काम करता है तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम TDO कहते हैं, TDO। आगे, वट इज द थर्ड लेवल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? थर्ड लेवल की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। Which is the topmost level in the 3 dimension of पंचायती राज में सबसे ऊपर आता है the district पंचायत, फिर तालुका पंचायत और एकदम नीचे पंचायत सिर्फ। What is the maximum number of members in district पंचायत में? maximum होते हैं 52। Now, what is the minimum number of members in district पंचायत? वो है सिर्फ 32, याद रखेगा। By which name is the administrative head of district पंचायत known? district पंचायत के head किस नाम से जाना जाता है? The answer is the district development officer, DDO, याद रखना। ये तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर TDO, वो तालुका लेवल पर था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं। आगे, हाउ मेनी इयर्स इज द टेन्योर ऑफ ऑल 3 पंचायत? पंचायती राज में तीनों पंचायत में कितने टेन्योर, समय पीरियड होता है उनके लिए? 5 साल, 5 साल के बाद वापिस इलेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। Who creates and implements the development schemes of the weaker section of society for different panchayat? ऐसा कौन है जो implement करता है development के लिए, किसके लिए? weaker section of society। और उसका answer है यहाँ पर the social justice committee। ये गरीब कल्याण, जिसे हम बोलते हैं गरीब कल्याण मेला, और गरीब लोगों के लिए अलग अलग development program schemes ये लोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। How many members are there in one ward of a municipality? एक municipality के एक ward में कितने members होते हैं? वो है 4, that means 4 members. Let's go ahead. What is the population of cities that usually have a municipality? अगर कोई एक city के अंदर municipality है तो वहां पर कितनी population होगी? That is more than 25,000 people. Let's go ahead. What is the minimum number of candidates of a municipality?
वो हो गए हमारे 28 कैंडिडेट्स, वो मिनिमम होते हैं म्यूनिसिपालिटी के अंदर। बाय विच नेम इज द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपालिटी नोन, म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को कौन से नाम से जानते हो? द प्रेसिडेंट के नाम से। आइए आगे बढ़ते हैं। बाय विच नेम इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपालिटी नोन, म्यूनिसिपालिटी का जो हेड होता है उसे बोलते हैं द चीफ ऑफिसर, याद रखिएगा। हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी का चीफ ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? वो है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी इयर्स इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपालिटी, उसका सिर्फ टेन्योर होता है 2.5 years, 2.5 साल के लिए, फिर बदल जाता है। बाय विच नेम इज द हेड ऑफ कॉर्पोरेशन नोन, कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर कहते हैं। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज द इलेक्शन ऑफ मेयर हेल्ड, इलेक्शन होते हैं मेयर के 2.5 year के अंदर, याद रखना ये। बाय विच नेम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ कॉर्पोरेशन नोन, कॉर्पोरेशन के हेड को बोलते हैं द म्यूनिसिपल कमिश्नर, याद रह गया ना। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द म्यूनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेशन, वो अपॉइंट करते हैं द स्टेट गवर्नमेंट, फिर से याद रखना, म्यूनिसिपल कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, कोई इलेक्शन नहीं होता है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव कमिटी, दी एग्जीक्यूटिव कमिटी, याद रखना। 36, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू मेक अ वार्ड ए कॉर्पोरेशन, कोई एक वार्ड एरिया को कॉर्पोरेशन बनाना है तो कितनी पीपल चाहिए? मिनिमम 75,000, याद रखना। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है उसे हम कलेक्टर कहेंगे, कलेक्टर बाबू। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल, उसे हम कहेंगे द मामलतदार। नेक्स्ट, द मामलतदार इज द रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका मेड अप टू अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी विलेजेस, उनको बनाया जाता है 50 और 50 से ज्यादा, मतलब 50 और 50 से ज्यादा विलेज के रेवेन्यू हेड होते हैं मामलतदार, बहुत बड़ा काम इनका। आगे, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट्स, अगर कोई झगड़ा हुआ है गांव में या कई जगह पर तो बेस्ट ऑप्शन है लोक अदालत। सो हमने थोड़े ही मिनटों में ये 40 MCQs सॉल्व कर लिए हैं, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय। फटाफट से अच्छी सी कमेंट कर दो मेरी वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, मेरे बारे में, और हाँ यार मेरे पेज को, मतलब मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो क्लास के फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर करके बोलो कि चैप्टर पढ़ ले भाई। मिलते हैं पार्ट 2 में 1 दिन के बाद।